नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान को चूना लगाने में केवल चीनी अव्वल नहीं है, बल्कि जिसे देखो वह इस मदरसा मुल्क को चूने पे चूना लगा रहा है। यहां तक कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को चूना लगा दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं ने भी पाकिस्तान को चूना लगाने की तैयारी कर रखी है। इसका खुलासा भी खुद इमरान खान ने ही किया है। इमरान ने कहा है कि न तो किसी देश और न ही किसी वैश्विक संगठन से पाकिस्तान को एक डॉलर भी नहीं मिला है, जबकि इससे पहले तक पाकिस्तान में इन संगठनों और अमेरिका से आने वाली भीख की खुशी में गधैया नृत्य हो रहा था। दरअसल आतंकियों को शरण देने के लिए बदनाम पाकिस्तान की कोरोना संकट में कोई भी देश आर्थिक मदद नहीं करना चाहता है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका से 1 करोड़ डॉलर, वर्ल्ड बैंक से 23 करोड़ 80 लाख डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 35 करोड़ डॉलर और IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर का लोन पाकिस्तान को मिला है, परंतु इमरान ने साफ कर दिया है कि किसी ने एक डॉलर तक नहीं दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था के चलते कोरोना महामारी की उस पर दोहरी मार पड़ रही है। पाकिस्तान पहले से ही IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे से किसी तरह अपनी इकोनॉमी चला रहा था और अब कोरोना उस पर कहर बनकर टूटा है। बर्बादी के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान अपील पर अपील किए जा रहे हैं। वैश्विक समुदाय से भी वे कमजोर देशों का ऋण माफ करने की अपील कर चुके हैं। 23 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान ने पिछवाड़े दिखाकर दुनिया से भीख देने की अपील की थी। इस अभियान से पाकिस्तान को मात्र 63 करोड़ रुपए ही मिल पाए। इसका मतलब यह है कि इस आतंकी मुल्ला मुल्क को कोई 1 रुपया तक देना नहीं चाहता है। खास बात यह है कि इस बार चीन ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। सऊदी अरब और तुर्की की पहले ही फटी पड़ी है, इसलिए अब अन्य किसी मुल्क से मदद की उम्मीद भी नहीं है। पाकिस्तान को यदि आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई तो उसे कभी भी दिवालिया होने की घोषणा करनी पड़ सकती है। उसके खजाने में 3 अरब डॉलर से भी कम पैसे बचे हैं। देश में लॉकडाउन के चलते उसका राजस्व 2% पर आ गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लाले पड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इसी राजस्व में से 85% कर्जों के सूद में जाता है, यानी फौरी तौर पर पाकिस्तान को कम से कम 2 अरब डॉलर की दरकरार है। पर दिक्कत यह है कि अगर वे लॉकडाउन हटाते हैं तो कोरोना उनको मार डालेगा, नहीं हटाया तो बाजे बजने निश्चित हैं। पाकिस्तान में हर सुबह के साथ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां संक्रमण के मामलों ने तेजी से छलांग लगाई है। 281 टोपीबाज हुरों की खोज में निकल चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पास जा रही है। ऐसे में दुनिया पर अपनी अपील का असर नहीं होता देखकर इमरान खान ने मदरसा पैदाइश को लूटने का पक्का इंतजाम कर लिया है। इमरान ने ऐलान किया है कि सिंध महामारी रोग अधिनियम 2014 की तर्ज पर वे एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें कोरोना फैलाने वाले व्यक्ति से 2 से 10 लाख रुपए वसूले जाएंगे। यानी जब दुनिया अपने नागरिकों पर पैसा पानी की तरह बहा रही है, पाकिस्तानी PM मदरसा पैदाइश की बजाने का पक्का प्रबंध कर चुके हैं। पर मामला यहां तक नहीं है, पाकिस्तान की कंगाली का असर अब यहां के स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी दिखने लगा है। PPE की कमी को लेकर चिकित्सा कर्मियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। हालत यह है कि तहमतबाजों की तो छोड़िए, चिकित्सा कर्मी भी मास्क और ग्लव्स के लिए तरस रहे हैं। कराची अस्पतालों में इतने बेड नहीं है, जिसके कई गुना वहां मरीज ठसाठस भरे पड़े हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में हालत काफी गंभीर हो चुके हैं। 163 चिकित्सा कर्मी भी यहां संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा 3 चिकित्सा कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कराची में 100 से ज्यादा लोग भुखमरी में दम तोड़ चुके हैं। दिहाड़ी पर जाने वाले लोग सड़कों किनारे खड़े होकर रोजगार की उम्मीद लगा रहे हैं। हालत दयनीय जरूर है, पर ऐसे में भी पाकिस्तानी सेना हथियार परीक्षण कर रही है। अब अगर तारिक जमील जैसे मुल्ला पाकिस्तान को अल्लाह भरोसे कहते हैं तो इसमें अचरज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तैमन छाप दो ही काम जानते हैं, पिछवाड़ा दिखाओ और बाद में पिछवाड़ा तुड़वाओ। बकलोली करने के लिए मुंह सही सलामत होना जरूरी है। यही वजह है कि आवाम के लिए सोचने की बजाय इनकी जुबान अभी भी बेकाबू है। घर में मोमबत्ती तक के पैसे नहीं है, पर इमरान लोंडा चेहरा 200 वाट का लिए भारत की तरफ घूर रहा है। इसके साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।